हेलो एंड गुड इवनिंग वेलकम टू चैप्टर नंबर सिक्स पेंशंस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पेंशंस के बारे में एक ब्रीफ लेते हैं है क्या पेंशंस जस्ट इमेजिन देयर इज एन इंडिविजुअल जो अपनी पूरी जिंदगी पूरी मेहनत से जॉब करता है अपनी मेहनत के लिए चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करे चाहे वो प्राइवेट ऑफिस में काम करे ही गेट सैलरी यानी जब तक जॉब है तब तक उसके पास सोर्स ऑफ इनकम है लेकिन रिटायरमेंट के बाद क्या क्योंकि उसके बाद तो सैलरी नहीं आएगी ऐसे केस में सम इंडिविजुअल्स आई विल से नॉट सम बहुत सारे लोग एक पेंशन कंट्रीब्यूशन करते हैं पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन इसलिए होता है ताकि जब ये लोग रिटायर हो जाएं तो इनको अपने खर्चे के लिए किसी के भी आगे हाथ ना फैलाना पड़े यानी बाद में गवर्नमेंट की किसी स्कीम के लिए वेट ना करना पड़े कि जो भी रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए ये अमाउंट दिया जा रहा है कोई गवर्नमेंट देगी कोई गवर्नमेंट नहीं देगी यानी बेटर ये है कि अपने लिए अपना इंतजाम खुद करके रखें। पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन तो ये लोग जब पेंशन में ड्यूरिंग देयर एम्प्लॉयमेंट पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करते रहते हैं उसके बाद में जब ये रिटायर हो जाते हैं उसके बाद में ये पेंशन विड्रॉ करके अपने खर्चे कर सकते हैं सो पेंशन इज बेसिकली जो रूटीन खर्चों के लिए नहीं एम्प्लॉयमेंट के बाद में यानी कि रिटायरमेंट पे आपकी लाइफ को सिक्योर करने के लिए किया जाता है सो पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन चाहे इंडिया हो चाहे यूके हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेजॉरिटी लोग पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं अब हम पहुंच जाते हैं यूके पर्सपेक्टिव पे क्योंकि हम यूके टैक्स पढ़ रहे हैं तो यूके में पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन पे क्या टैक्स प्रोविजन है वो समझते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड सो फर्स्ट थिंग सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि पेंशन यूके टैक्स के अंडर है कितने तरह की सो so सिंपली आपको यहां पे दो तरह की पेंशन स्कीम देखने को मिलेंगी पहली ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम और दूसरी पर्सनल पेंशन स्कीम ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम इसका तो जैसे नाम ही बता रहा है ये होती है जो आपके नौकरी के टाइम की होती है या फिर आपकी एम्प्लॉयर की पेंशन स्कीम होती है मतलब अगर मैं सिंपली बोलूं आप जॉब में होंगे जॉब में आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी से कुछ पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्ट कर लेगा ये पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन आपके पेंशन फंड में जाता रहेगा और जब आप रिटायर होंगे तब आपको इसी फंड में से पैसा मिलता रहेगा एज पेंशन इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम जहां पे आप एम्प्लॉयर की पेंशन स्कीम में पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं डायरेक्टली कटवाते रहते हैं अपनी सैलरी से इक्वल अमाउंट हर महीने योर एम्प्लॉयर विल कीप ऑन डिडक्टिंग अब ये जो ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम है ये दो तरह की होती है फर्स्ट इज डिफाइंड बेनिफिट स्कीम डिफाइंड बेनिफिट स्कीम इस पे आपको रिटायरमेंट के बाद में पैसा मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ योर लेवल ऑफ अर्निंग्स यानी कि अगर आप सीनियर पोजिशन के एम्प्लॉई हैं और रिटायर होते हैं तो डिफाइंड बेनिफिट स्कीम में आपको पेंशन अच्छे अमाउंट की मिलेगी आई मीन आई ऑफिसर को पेंशन ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू अ जूनियर अकाउंटेंट दैट्स दिस डिफाइंड बेनिफिट स्कीम यानी एक एम्प्लॉई एम्प्लॉयमेंट में नॉट एम्प्लॉय विल से एक पर्सन की ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट जो भी अर्निंग्स थी उनके बेसिस पे उसका पेंशन डिसाइड होता है दैट इज डिफाइंड बेनिफिट स्कीम ऐसी दूसरी एक स्कीम होती है मनी परचेज स्कीम इस मनी परचेज स्कीम का आपकी कमाई से कोई लेना देना नहीं है बेसिकली आप डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन स्कीम के नाम से भी इसको देखेंगे इसका कोई लेना देना आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम से नहीं है यानी इसका सिस्टम क्या होता है इफ आई सिंपली पुट दैट आप जो भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं वो एक पेंशन फंड में जमा हो जाता है ये पेंशन फंड आगे कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं अब ये जो इन्वेस्टमेंट है अगर ये फायदा देगा यानी प्रॉफिटेबल होगा तो आपको पेंशन जो मिलेगी वो अच्छी खासी मिलेगी लेकिन अगर नुकसान हो गया तो आपकी पेंशन कम मिलेगी सिंपल यानी यहां पे सिंपल सा फंडा ये है पेंशन फंड जितना कमाएगा उतनी आपकी पेंशन होगी यानी इसका कोई गारंटीड मॉडल नहीं होता कि आपको पेंशन कितनी दी जाएगी इसका सिंपल बेसिस ये होता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट पेंशन फंड ने किए वो जितना कमा लेंगे उसके बेसिस पे आपको पेंशन मिल जाएगी तो ये थ्री टायर सिस्टम हो गया यहां पे ये इंडिविजुअल होता है ये पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन करता है एक पेंशन फंड में ये फंड कहीं और इन्वेस्टमेंट करता है और इस इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे इस इंडिविजुअल की पेंशन डिसाइड होती है यानी अगर ये इन्वेस्टमेंट अच्छा रिजल्ट देगा तो जो भी पर्सन है उसकी पेंशन का अमाउंट भी अच्छा होगा लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट फ्लिप फ्लॉप रहा तो फिर इस इंडिविजुअल की पेंशन भी फ्लिप फ्लॉप ही रहेगी सो दिस इज रिस्क वाला इसीलिए इसका नाम दिया गया है मनी परचेज मनी रिलेटेड चीजें थोड़ी सी रिस्की होती हैं तो एफएम में आप इससे रिलेटेड कुछ चीज पढ़ेंगे मनी मार्केट ये जो मार्केट होता है दिस इज वेरी फ्लक्चुएटिंग इसको यहां से ध्यान रखना मनी परचेज स्कीम में आपको पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली exactly पेंशन आपके पास आएगी कितनी सो so बी अब आते हैं पर्सनल पेंशन स्कीम्स के बारे में जानने पर्सनल पेंशन स्कीम में क्या है जिसकी मर्जी हो वो कंट्रीब्यूट करे भाई मतलब यहां पे एम्प्लॉयर का पेंशन फंड नहीं है यहां एम्प्लॉयर नहीं है जो आपकी तनख्वाह से पेंशन के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्ट करेगा आप आजाद हो एम्प्लॉयर से जुड़े हुए नहीं है ये स्कीम्स इसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है यानी जिसकी मर्जी आए इस पेंशन स्कीम में पैसा लगा दे और ये पेंशन स्कीम लेटर ऑन आपको पेंशन देती रहेगी जैसी मार्केट में होती है एक मेडिकल इंश्योरेंस होता है जो एम्प्लॉयर देता है एक मेडिकल इंश्योरेंस होता है जो आप मार्केट से ले सकते हैं तो ये मार्केट वाला मेडिकल इंश्योरेंस के नेचर का ही है सो दिस इज बेसिकली कोई भी जो ले सके नंबर टू इंडिविजुअल खुद भी इसमें पैसा डाल सकता है और उसके बिहाफ पे कोई थर्ड पार्टी भी पैसा डाल सकती है जैसा कि मैंने अभी मेडिकल इंश्योरेंस बोला मेडिकल इंश्योरेंस मुझे मेरा कराना है मैं खुद भी उसमें पैसा डाल सकती हूं मेरे पापा भी डाल सकते हैं मेरा भाई भी डाल सकता है मेरी बहन भी डाल सकती है वो एनी बडी माई फ्रेंड कैन ऑल्सो डू दैट यानी इसमें कोई भी पैसा डाल सकता है ऐसा ये वाला जो पर्सनल पेंशन स्कीम है इसमें पैसा कोई भी डाल सकता है इंडिविजुअल खुद भी कोई थर्ड पार्टी भी इसका मतलब इसमें पैसा डालने वाला सैलरीड एम्प्लॉय हो सकता है बिजनेसमैन हो सकता है अनएम्प्लॉयड हो सकता है उसके पिताजी हो सकते हैं उसकी सासू माँ हो सकती है अरे कोई भी हो सकता है दिस इज अ फ्री स्कीम जिसकी मर्जी हो डालो अब ये जो पर्सनल पेंशन स्कीम्स है ये किस नेचर की होती है ये मार्केट रिस्क वाले नेचर की होती है यानी ये मनी परचेज स्कीम्स कितने चलती है मेजोरिटी यानी पेंशन फंड कहीं पैसा लगाएगा वहां से रिटर्न अच्छी आएगी तो आपकी पेंशन अच्छी होगी वहां से रिटर्न अच्छी नहीं आई, तो आगे बढ़ते हैं यार जिंदगी रिस्क है अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोई भी इंडिविजुअल किसी भी पेंशन स्कीम में पैसा लगा सकता है उसका मन करे ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम ऑप्ट कर ले उसका मन करे पर्सनल पेंशन स्कीम ऑप्ट कर ले उसका मन करे दोनों ऑप्ट कर ले तो दोनों तो ऑप्ट कर ही सकता है प्लस उसकी इच्छा उतना अमाउंट भी डाल सकता है यानी इसमें कोई मिनिमम अमाउंट का चक्कर नहीं है आपको जितना अमाउंट डालना है डालो भाई पर्सनल पेंशन स्कीम में डालो ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में भी ज्यादा अमाउंट डालना है डालो You want. UK में थोड़ी सी में आजादी है। आप कोई भी कर सकते हैं उसमें that. थोड़ा सा ये फिक्स नेचर का है कि कंपनी अपने आप एक पेंशन स्कीम लॉन्च करती है उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन इज फिक्स एनीवाइ आगे चलते हैं अब पेंशन स्कीम के टैक्स रूल्स पे आते हैं यानी अब हम बात कर रहे हैं स्कीम से रिलेटेड नहीं अब टैक्सेशन से रिलेटेड यानी अब पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन किसी ने भी किया है गवर्नमेंट विल वॉन्ट कि हाँ यार इस इंडिविजुअल को कुछ टैक्स रिलीफ दी जाए एवरी गवर्नमेंट एक्चुअली प्रोमोट्स कि जब कोई भी हमारे देश की जनता रिटायर हो तो वो भूखे ना मरे दर दर ना भटकते फिरे यानी उनको अपना फ्यूचर सिक्योर करना आना चाहिए और फ्यूचर सिक्योर हो सकता है पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन से तो हर देश में पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन को बहुत प्रमोट किया जाता है उसके लिए चाहे इंडिया हो चाहे यूके हो टैक्स रिलीफ मिलती है अब सिंपल सी यहाँ पे दो कंडीशन है यूके में टैक्स रिलीफ मिल जाएगी आपको पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन करना है उस पर रिलीफ मिलेगी देर आर टू कंडीशन फॉर इट पहली कंडीशन आप जिस स्कीम में पैसा लगा रहे हैं वो रजिस्टर्ड स्कीम होनी चाहिए यानी फर्जी स्कीम नहीं होनी चाहिए जो दिखा कुछ रही हो और असल में करती कुछ और हो यानी कल को अगर मैं कोई पेंशन स्कीम खोल दू और आप उसमें पैसा डालने लग जाए तो क्या यूके आपको उसकी टैक्स रिलीफ देगा नहीं देगा वो बोलेगा मैडम आप फ्रॉड हैं और आपकी स्कीम भी फ्रॉड है आप पेंशन का पैसा लोगों से कलेक्ट जरूर कर रहे हैं लेकिन उनको लेटर डेट पे पैसा आप देंगे कि नहीं देंगे भगवान जाने आई मे टेक द मनी जो लोग हर महीने पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं मैं उस पैसे को इकट्ठा करके चलती बनूंगी कहीं भी उनको रिटायरमेंट पे, पे पेंशन कौन देगा इसका मतलब आपको उन पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन पर टैक्स रिलीफ मिलेगी जो पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन जेन्यूविन स्कीम्स में किए गए हो यानी रजिस्टर्ड स्कीम्स में किए गए हों फर्जी नहीं होनी चाहिए जी बेसिकली बात ही है दूसरा ये उस इंडिविजुअल को मिलेगा पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन पे टैक्स रिलीफ जो बूढ़ा ना हो मतलब 75 ऑफ से कम होना चाहिए और यूके रेजिडेंट होना चाहिए जवान होना चाहिए हालांकि ठीक है 75 से नीचे वाला 70 वाला भी होता है और वो जवान बिल्कुल नहीं होता है बट दी पॉइंट इज सेवेंटी फाइव ईयर से नीचे वाला होना चाहिए एंड ही शुड बी यूके रेजिडेंट तो वहां के पेंशन रिलीफ के लिए वहां का रेजिडेंट तो होना ही पड़ेगा यार बट ऑब्वियस सी चीज है चलो एनी आगे बढ़ते हैं अब आते हैं अमाउंट ऑफ रिलीफ पे यानी कि अब हेडिंग की तरफ चले जाओ भाई मेरे ऊपर अमाउंट ऑफ रिलीफ की हम बात कर रहे हैं तो अमाउंट ऑफ रिलीफ में क्या है अभी तो हमने देखा कि पेंशन स्कीम में टैक्स रिलीफ होती है कितनी रिलीफ होती है उस पर आते हैं अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना आपके पास दो पेंशन स्कीम्स थी ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम और एक पर्सनल पेंशन स्कीम दोनों स्कीम्स में जो अमाउंट ऑफ रिलीफ है वो सेम होती है लेकिन इस रिलीफ को देने का तरीका अलग होता है नोट माई वर्ड्स। अमाउंट ऑफ टैक्स रिलीफ दोनों की दोनों स्कीम्स में सेम होता है यानी डिपार्टमेंट जो रिलीफ देगा वो दोनों की दोनों स्कीम्स पे सेम ही देगा लेकिन दोनों में देगा अलग तरीके से ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में रिलीफ अलग तरीके से मिलेगी पर्सनल पेंशन स्कीम में रिलीफ अलग तरीके से मिलेगी यानी एक इंडिविजुअल इन दोनों में से अगर किसी में भी पैसा डालता है तो दोनों में रिलीफ का तरीका अलग होगा रिलीफ अलग अलग तरीके से मिलेगी मिलेगी सेम अमाउंट ऑफ रिलीफ तो इस चीज को ध्यान करके रखना कि मेथड किस तरह से रिलीफ मिलेगी वो दोनों का अलग है लेकिन अमाउंट ऑफ टैक्स रिलीफ इज सेम अब पहले अमाउंट ऑफ टैक्स रिलीफ पे आते हैं जो कि दोनों में सेम है सिंपल इसके टैक्स रूल्स बोलते हैं जी और कुछ नहीं है लोअर ऑफ टू अमाउंट्स वट आर दू अमाउंट वन और टू का दोनों में से जो भी कम है पहला अमाउंट क्या है जो भी ग्रॉस कॉन्ट्रीब्यूशन आपने पे किए हैं यानी ड्यूरिंग दर हैव पेड ग्रॉस नंबर टू ये दो अमाउंट में से जो भी हायर है थर्टी सिक्स हंड्रेड और परसेंट ऑफ रेलिवेंट अर्निंग इन दोनों में से जो भी हायर है वो ले लो मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी पे किया गया है उससे कंपेयर करो और इन दोनों में से लोअर वैल्यू चूज कर लो दैट इज रिलीफ इसको क्वेश्चन करके भी समझाऊंगी एक बार सिर्फ इस प्रोविजन को दिमाग में रखना मुझे लोअर ऑफ टू वैल्यूज चाहिए वन एंड टू व्हाट इज वन वट एवर कॉन्ट्रीब्यूशन एन इंडिविजुअल पेज पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन साल भर में जो भी पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन वो पे करेगा पहली वैल्यू ये है दूसरी वैल्यू हायर ऑफ टू वैल्यूज हायर ऑफ टू वैल्यूज थर्टी सिक्स हंड्रेड या हंड्रेड परसेंट ऑफ रेलेवेंट अर्निंग्स चार्जेबल रेलेवेंट अर्निंग्स इन दोनों में से जो भी हायर है वो आपका सेकेंड वैल्यू है तो फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू में से जो भी कम है वो आपकी अमाउंट ऑफ टैक्स रिलीफ है अब सवाल ये उठता है ये रेलिवेंट अर्निंग्स क्या है ये रेलिवेंट अर्निंग्स मुझे क्या लेनी चाहिए सो रेलिवेंट अर्निंग्स में आएगा तीन आइटम्स वन टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट आ सकते हैं आप बिजनेसमैन होंगे तो टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट आएंगे आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो एम्प्लॉयमेंट इनकम आएगी और तीसरा आप अगर प्रॉपर्टी बिजनेस से पैसा कमाते हैं तो एफएचए प्रॉपर्टी इनकम में एफएचए है ये उसके प्रॉफिट्स की बात कर रहा है फर्निस्ड हॉलीडे लेटिंग्स यानी कि आपकी इस फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग से जो भी कमाई होती है वो भी आप यहां जोड़ लीजिए बेसिकली आपकी मेहनत की कमाई चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो नौकरी हो चाहे वो एफ एच ए हो ये इन्वेस्टमेंट इनकम आपको इसमें नहीं लेनी मेहनत की कमाई नहीं है यार ये ये इन्वेस्टमेंट के अप एंड डाउन होने की कमाई है तो इस चीज को ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं लेनी है बाकी मेहनत की कमाई सारी लेनी है आपकी बिजनेस इनकम एम्प्लॉयमेंट इनकम और एफ एच ए से आने वाले प्रॉफिट ये तीनों के तीनों जोड़ेंगे तो रेलिवेंट अर्निंग्स आएंगी और इन रेलेवेंट अर्निंग्स का हंड्रेड इज दिस थर्टी सिक्स हंड्रेड से कंपेयर करो दोनों में से जो भी ज्यादा है वो ले लो दैट इज योर पॉइंट नंबर टू की वैल्यू तो अब इसको समझते हैं एक क्वेश्चन से

ग्रॉस कॉन्ट्रीब्यूशन आपको दिए हुए हैं दूसरी चीज ये कंपनी वाला पेंशन स्कीम नहीं है यानी ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम नहीं है ये पर्सनल पेंशन स्कीम है पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन है, है रेलिवेंट लोग दिए हुए हैं करीमा नादिया कैंसा और यासमीन इन चारों के ग्रॉस पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन भी हैं और रेलिवेंट अर्निंग्स भी है एक्सप्लेन द मैक्सिम अमाउंट ऑफ पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर विच टैक्स रिलीफ इज अवेलेबल फॉर इच इंडिविजुअल इन दैक्स टू 22-23. यानी कि इन चारों के लिए क्या टैक्स रिलीफ अवेलेबल होगी पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन पे वो हमें कैलकुलेट करनी है यही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं टू तो कैलकुलेट टैक्स रिलीफ नाउ एज आई सेड लोअर ऑफ वन एंड टू निकालना है तो सबसे पहले वन लेते हैं जो भी ग्रॉस कॉन्ट्रीब्यूशन पे किए गए हैं मैं पहले बात करती हूँ करीमा की तो करीमा का ग्रॉस पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन ये उसने क्या पे किया है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड तो दिसंट बिकम ट्वेंटी होगा हायर ऑफ सॉरी 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 ओके ये होंगे दो अमाउंट हायर ऑफ थर्टी सिक्स हंड्रेड एंड हंड्रेड परसेंट ऑफ इंडिविजुअल रेलिवेंट अर्निंग्स चार्जेबल टू इनकम टैक्स ओके मतलब जो भी चार्जेबल रेलिवेंट अर्निंग्स है उसका हंड्रेड परसेंट तो ये तो 3600 का 3600 ही रहेगा मुझे लेना है 100% ऑफ रेलेवेंट अर्निंग्स इसकी रेलेवेंट अर्निंग्स है 0 100% ऑफ 0 मतलब 0 इन दोनों में से हायर अमाउंट कौन सा है 3600 और ये 1 और 2 में से लोअर अमाउंट कौन सा है 2500 तो टैक्स रिलीफ कितनी होगी 2500 पाउंड्स ये होता है करीमा के लिए टैक्स रिलीफ का कैलकुलेशन अब आते हैं नेक्स्ट पे नादिया पे अर्निंग्स लेती हूँ सबसे पहले 100% ऑफ अर्निंग्स नादिया के लिए जीरो ये 3600 यहाँ पे स्टैंडर्ड है ग्रॉस पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन इसने किए सिक्स के तो अब लेते चलते हैं। इन दोनों में से हायर वैल्यू वो मेरी इस पॉइंट नंबर टू की वैल्यू होगी 3600 सिक्स हंड्रेड इज दायर वैल्यू ये वाला पॉइंट नंबर वन इसकी वैल्यू क्या है सिक्स थाउजेंड इन दोनों में से लोअर चूज कर लो वो टैक्स रिलीफ है लोअर वैल्यू इज थर्टी सिक्स इज योर टैक्स रिलीफ नेक्स्ट पे आते हैं उल्टा ही चलूंगी यहां पे हंड्रेड परसेंट ऑफ रेलिवेंट अर्निंग्स मीन यहां पे हंड्रेड परसेंट ऑफ सेवेंटी फाइव थाउजेंड ये थर्टी सिक्स हंड्रेड है अब उसने पे किया है तो सवाल ये उठता है थर्टी सिक्स थाउजेंड के कॉन्ट्रीब्यूशन के बदले में सेवेंटी फाइव थाउजेंड का रिलीफ थोड़ी दिया जा सकता है यानी लोअर ऑफ दीज टू तो टैक्स रिलीफ मिलेगी थर्टी सिक्स थाउजेंड की दिस, ठीक है लास्ट वाले पे आते हैं यस्मीन यस्मीन का वापस से यहीं से चालू करती हूँ, रेलेवेंट अर्निंग से 100% ऑफ 38000 इज 38000 इसको कंपेयर करेंगे 3600 से तो मुझे पॉइंट नंबर वन एंड टू कैलकुलेट करने हैं पॉइंट नंबर टू की कैलकुलेशन में हायर ऑफ दीस टू इज 38000 मुझे इसको कंपेयर करना है ग्रॉस कंट्रीब्यूशन पेड से वो ग्रॉस कॉन्ट्रीब्यूशन पे किया है उसने फोर्टी फाइव थाउजेंड का लेकिन इन दोनों में से जो भी लोअर है यानी एलिजिबिलिटी लोअर अमाउंट की होती है तो थर्टी एट थाउजेंड विल बी दी टैक्स रिलीफ दिस इज टैक्स रिलीफ दिस वे यू विल कैलकुलेट टैक्स रिलीफ जो किसी भी स्कीम पे यानी पर्सनल पेंशन स्कीम पे यहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल को मिलेगी तो अब हमने ये देखा कि अमाउंट ऑफ रिलीफ तो दोनों में सेम आ रही है अब इस रिलीफ को दिया कैसे जाए सो एज आई सेड अर्लियर रिलीफ को देने का तरीका दोनों स्कीम्स में अलग अलग होता है मतलब कि ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में रिलीफ अलग तरीके से दी जाती है किसी भी टैक्स पेयर को और अगर ये पर्सनल पेंशन स्कीम है तो रिलीफ अलग तरह से दी जाती है लेट मी फर्स्ट डील विद पर्सनल पेंशन स्कीम यानी एक इंडिविजुअल है जो एक पर्सनल पेंशन स्कीम में पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करता है दो इंडिविजुअल्स हो सकते हैं एक बेसिक रेट टैक्स पेयर और दूसरा एक हायर और एडिशनल रेट टैक्स पेयर पहले बेसिक रेट टैक्स पेयर की बात करते हैं बेसिक रेट टैक्स पेयर को रिलीफ कैसे मिलेगी टीडीएस तरह यानी जो भी ये कंट्रीब्यूशन करेगा जो भी कंट्रीब्यूशन पे करेगा इमीडिएटली 20 परसेंट अमाउंट उसको रिलीफ की तरह मिल जाएगा तो वो नेट पेमेंट ही करेगा लेकिन अगर ये हायर और एडिशनल रेट टैक्स पेयर है तो हम क्या करेंगे जैसे चैरिटी के केस में करते थे इसकी बैंड्स बढ़ा देंगे यानी हायर रेट बैंड और एडिशनल रेट बैंड इनकी जो हायर रेट नहीं बेसिक रेट बैंड और हायर रेट बैंड इनकी जो हायर लिमिट्स है अपर लिमिट्स है वो इंक्रीज हो जाएंगी यानी कि हम थर्टी सेवन सेवन हंड्रेड को इंक्रीज कर देंगे और उधर वन लाख फिफ्टी थाउजेंड को इंक्रीज कर देंगे ये दोनों चीजें इंक्रीज हो जाएंगी बेसिक रेट बैंड की हायर लिमिट हायर रेट बैंड की भी अपर बड़े वाले इंक्रीज कर देंगे आप बाई दीब्यूशन मेड सो ये दोनों चीजों में चैरिटी जैसा आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा बट फिर भी इट्स ऑलवेज बेटर टू प्रैक्टिस समथिंग सो आई डिस और एक क्वेश्चन को यही के यही प्रैक्टिस कर लेते हैं सो so, ये इलास्ट्रेशन टू है कैप्टन स्टडी टेक्स का इसमें हम देखेंगे कि ये जो हम टैक्स रिलीफ के लिए अमाउंट निकाल रहे हैं इसकी टैक्स रिलीफ मिलेगी कैसे तो यहाँ चार पांच लोगों के बारे में बात हो रही है कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हुए हैं यहां ट्रेडिंग प्रॉफिट दिए हुए हैं यानी कि रेलेवेंट अर्निंग्स निकालने के लिए इंफॉर्मेशन दी हुई है एंडी ब्रैड सिंडी डॉन एड फ्रेन

की टैक्स रिलीफ होगी कितनी और फिर इस रिलीफ को देना कैसे है वो इस वाले चार्ट को यूज करके करेंगे सो so, सबसे पहले आई विल कम टू एंडी मैं फिर से वो अपने पुराने तरीके तरह, earnings, की तरह आई विल स्टार्ट विद रेलेवेंट अर्निंग्स फर्स्ट रेलेवेंट अर्निंग्स एंडी की जीरो है क्योंकि कोई अर्निंग है ही नहीं इसको 3600 से कंपेयर करेंगे हायर ऑफ दीस टू वैल्यू ले लेंगे कंट्रीब्यूशन उसने किया है 5000 का 5000 को और 3600 को कंपेयर करेंगे लोअर ऑफ दीस टू लेंगे दैट इज दी टैक्स रिलीफ 3600 लोअर है तो टैक्स रिलीफ मिलेगी 3600 की अब एंडी उसकी इनकम जीरो है यानी कि वो बेसिक रेट टैक्स पेअर है पहली बात तो टैक्स पेअर ही नहीं है तो बेसिक रेट के हिसाब से उसको टैक्स रिलीफ मिलेगी टैक्स रिलीफ कैसे मिलेगी उसका जो भी कंट्रीब्यूशन उसने पे किया यानी 5000 इसमें से वो ट्वेंटी परसेंट ऑलरेडी अमाउंट माइनस करके देगी ये ट्वेंटी रिलीफ मिली है यानी कि का। तो ये पेंशन स्कीम में डायरेक्ट फोर टू एट जीरो का अमाउंट जमा कराएगी और उसके क्रेडिट में बैलेंस फाइव थाउजेंड का दिखेगा दिस इज हाउ शी विल गेट दी टैक्स बेनिफिट राइट तो इसको बेसिक रेट टैक्स पेयर को सिंपल एट दी टाइम ऑफ पेमेंट डिडक्शन रेलवेंट अर्निंग हंड्रेड परसेंट ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड थर्टी सिक्स हंड्रेड से कंपेयर करो हायर ऑफ दीज टू इज ट्वेंटी कॉन्ट्रीब्यूशन उसने पे किया है फाइव थाउजेंड का 5,000 और ट्वेंटी थाउजेंड में से लोअर कौन सा है? है है यानी आपको टैक्स रिलीफ ब्रैड ब्रैड को देनी देनी के बेसिस पे या की। की अब ये देनी कैसे? अगेन, इज अ बेसिक रेट इनकम उसकी। उसने कॉन्ट्रीब्यूशन पे 5,000 का में से माइनस करो 20 रिलीफ का ठीक फोर थाउजेंड विल बी डायरेक्टली पेड टू पेंशन स्कीम की तरफ सिंडी की भी है वापस से यहीं से स्टार्ट करते हैं थर्टी सिक्स हंड्रेड को कंपेयर कर लो हायर ऑफ दीज टू ट्वेंटी थाउजेंड 20000 को और उसके कंट्रीब्यूशन को कंपेयर करो कंट्रीब्यूशन है उसका 25000 इन दोनों में से हमें लेना है लोअर यानी कि ट्वेंटी था रेट टैक्स पे हम यहाँ पे भी वही करेंगे उसका पेमेंट है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का उसमें से ट्वेंटी परसेंट ऑफ रिलीफ कम करके

95000 को कंट्रीब्यूशन से कंपेयर करो उसका कंट्रीब्यूशन है 40000 लोअर ऑफ दीस टू इज दी टैक्स रिलीफ अब ये ध्यान रखना यू हैव टू आइडेंटिफाई डॉन कौन सा टैक्स पेयर है बेसिक रेट टैक्स पेयर या हायर रेट टैक्स पेयर ये हायर रेट टैक्स पेयर है क्योंकि उसकी इनकम 37700 से ऊपर जा रही है तो क्या होता है हायर रेट टैक्स पेयर्स के केस में इनको ये तो रिलीफ मिलती मिलती है प्लस एक एडिशनल ये वाली रिलीफ और मिलती है यानी कि इनको रिलीफ जो मिलती है उसमें इनकी जो बेसिक रेट बैंड्स और हायर रेट बैंड की अपर लिमिट्स है उनको बढ़ा दिया जाता है बाय द अमाउंट ऑफ ग्रॉस पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन यानी ऐसे केस में इसकी बेसिक रेट बैंड क्या बनेगी जीरो टू थर्टी सेवन सेवन हंड्रेड को आप बढ़ा देंगे इसके कॉन्ट्रीब्यूशन के अमाउंट से ग्रॉस कॉन्ट्रीब्यूशन के अमाउंट से इसकी सेवेंटी सेवन सेवन हंड्रेड तक की इनकम ट्वेंटी परसेंट पे टैक्स होगी ठीक है और ये तो मिलेगा ही मिलेगा तो इसका ये वाला पहले तो कैलकुलेट करके दिखा देते हैं इसने कंट्रीब्यूशन कितना पे किया फोर्टी थाउजेंड इसमें से ट्वेंटी परसेंट की इसको रिलीफ देते हैं इस फोर्टी थाउजेंड पे याद रखना रिलीफ अवेलेबल फोर्टी थाउजेंड पे है 80000 आएगा तो 32000 डॉन विल पे टू दी स्कीम पहली चीज ठीक है दूसरा अब इन्होंने बोला है कि भाई इसकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी डॉन की कैलकुलेट करके दो तो चलो इसकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं इसकी इनकम है 95000 95000 में सबसे पहले तो पीए माइनस कर दो पीए कम नहीं करना है क्योंकि वो 1 लाख ,00 से ऊपर नहीं है अब इसके ऊपर टैक्स लगाते हैं तो ध्यान रखना अभी आपने बेसिक रेट बैंडेज की बढ़ाई है 77, 700 पे टैक्स देगा ये और बची हुई इनकम पे विल पे टैक्स एट द रेट फोर्टी परसेंट राइट दिस इज हाउ ही विल गेट द रिलीफ ऑन टैक्स ये जो भी टोटल आए, ये इसकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी है इसके बाद चलते हैं एड की तरफ सॉरी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड की उसकी रिलेवेंट अर्निंग्स थर्टी सिक्स हंड्रेड से कंपेयर करो इन दोनों की हायर वैल्यू चूज कर लो कॉन्ट्रीब्यूशन एड ने किया है सिक्सटी थाउजेंड का इन दोनों में से लोअर चूज करो यानी आपकी टैक्स रिलीफ कितनी हो गई ट्वेंटी फाइव थाउजेंड की अब चेक करो ये कौन सा टैक्स पेयर है ही इज अ बेसिक रेट टैक्स पेयर तो यहाँ पे आप क्या करने वाले हो रिलीफ कैसे दोगे सिक्सटी थाउजेंड के पेमेंट में से ट्वेंटी परसेंट ऑफ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ये ट्वेंटी फाइव थाउजेंड जो भी रिलीफ अवेलेबल है उसका ट्वेंटी परसेंट आपको माइनस कर देना है पेमेंट के टाइम पे दिसव थाउजेंड तो फिफ्टी फाइव थाउजेंड स्कीम में ही विल पे राइट फिफ्टी फाइव थाउजेंड ही पे टू स्कीम. अब इसकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है वो भी कर लो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इसकी इनकम है इस पे दे दो पहले पी आएगा? फोर फोर हो गया टू ये आ गया ठीक है बाकी हो गया आप पे इनकम टैक्स इसका ट्वेंटी परसेंट लगा दो बेसिक रेट बैंड में ही फॉल कर रहा है ये और इसकी कोई स्लैब्स बढ़ानी भी नहीं है तो ट्वेंटी दैट इज द इनकम टैक्स लाइबिलिटी फॉर एड अब आ जाते हैं फ्रेन की तरफ थर्टी थाउजेंड काउजेंड ही इज एन एडिशनल रेट टैक्स पेयर तो पहले तो मैं यहाँ आती हूँ की थर्टी सिक्स हंड्रेड में से और वन नाइन्टी फाइव में से हायर वैल्यूज नाइन्टी फाइव इसको कंपेयर करते हैं उसके कॉन्ट्रीब्यूशन से यानी कि थर्टी थाउजेंड से थर्टी थाउजेंड और लोअर वैल्यूज थर्टी थाउजेंड सो उसको टैक्स रिलीफ मिलने वाली है थर्टी थाउजेंड के बेसिस पे अब वन फाइव थाउजेंड वाला बंदा है मतलब एडिशनल रेट टैक्स पेयर है सबसे पहले तो पेमेंट करते टाइम ट्वेंटी परसेंट टैक्स एट सोर्स वो कम देगा उसके अलावा उसकी जो बेसिक रेट और हायर रेट बैंड है दोनों को ग्रॉस अमाउंट से बढ़ा दिया जाएगा तो मैं एक एक करके करती हूँ पहले तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन पेड है थर्टी थाउजेंड ट्वेंटी परसेंट ऑफ ये अमाउंट जो टैक्स रिलीफ अवेलेबल है ठीक है यानी ट्वेंटी फोर थाउजेंड

ट्वेंटी परसेंट पे टैक्स होगा और हाई रेट बैंड क्या बनेगी सिक्सटी सेवन सेवन जीरो वन से वन लैख फिफ्टी थाउजेंड में थर्टी थाउजेंड जोड़ दो वन एटी दिस शुड बी टैक्स एट फोर्टी परसेंट ठीक है अब इसका टैक्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं टैक्स इनकम थाउजेंड पीए मिलेगा क्या ऐसे बंदे को नो पीए तो टैक्सेबल इनकम हो गई 195,000 ठीक है 195,000 पे इसके टैक्स लगाते हैं रेट्स का ध्यान रखते हैं मुझे जगह चाहिए यार लिखने के लिए इसकी टैक्स ना थोड़ी कॉर्नर में कर देती हूँ यहाँ तो इसकी पहले तो बेसिक रेट बैंड होती है सिक्सटी सेवन सेवन हंड्रेड चलो यहीं करती हूँ सिक्सटी सेवन सेवन हंड्रेड पे ट्वेंटी परसेंट टैक्स लगेगा फिर वन एट्टी थाउजेंड माइनस सिक्सटी सेवन सेवन हंड्रेड पे फोर्टी परसेंट पे टैक्स लगेगा और 195 में से 180 तक पे टैक्स लग गया बची हुई इनकम पे 45 परसेंट टैक्स लगेगा ये तीन वैल्यूज विल गिव यू दी टोटल इनकम टैक्स लाइबिलिटी फॉर दिस टैक्स पेयर यानी कि फ्रेंड की टैक्स लाइबिलिटी इन तीनों के टोटल से आएगी ये अच्छा क्वेश्चन है एक बार ट्राई करना इससे बहुत क्लैरिटी आएगी आपको Now, अब जब हमने ये देख लिया कि पर्सनल पेंशन स्कीम में कॉन्ट्रीब्यूशन करने से रिलीफ कैसे मिलेगी अब आ जाते हैं ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम पे रिलीफ पे यानी ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में अगर कोई इंडिविजुअल अपने पैसे कॉन्ट्रीब्यूट करता है उसको रिलीफ कैसे मिलेगी इस पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन की सिंपल सा सिस्टम होगा यहां पे ये पे सिस्टम के अंडर रिलीफ मिलेगी मतलब कि क्या होगा इसकी जो एम्प्लॉयमेंट इनकम कैलकुलेट होगी इसमें मतलब हम इसकी सैलरी लेंगे इसका बोनस लेंगे इन सब हेड्स का टोटल लेके यहां से लेस कर दिया जाएगा इसका पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन और इस पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन को माइनस करके जो अमाउंट आएगा ये इंडिविजुअल टैक्स पेयर उसी के ऊपर टैक्स पे करेगा मिल गई रिलीफ कैसे इसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम कम हो गई ना पेंशन के कॉन्ट्रीब्यूशन के अमाउंट से यानी जितना भी पेंशन में पैसा डाला उतने से इनकम कम हो गई तो सीधा सीधा यहां पे इस पॉइंट को देखो रिलीफ कैसे दी जाएगी पे सिस्टम के थ्रू ये एक अलाउेबल डिडक्शन माना जाएगा एम्प्लॉयमेंट इनकम में अब एम्प्लॉयर इस कॉन्ट्रीब्यूशन को इंडिविजुअल की इनकम से माइनस करेगा और उसके बाद में पे सिस्टम के अंडर इस पर टैक्स काटेगा तो अपने आप टैक्स कम कटाना सो दिस इज क्वाइट सिंपल बट फिर भी

उसका खुद का दूसरा कंपनी का ये ध्यान रखना कि कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन होता है दैट इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट फॉर द एम्प्लॉईज ये अभी आगे वाली स्लाइड्स में भी आएगा इसलिए हम एक बार इसको यहां से इग्नोर करते हैं हम बात करते हैं इस 3% की जो कंट्रीब्यूशन उसने खुद ने अपनी सैलरी में से किया है यानी उसकी जो सैलरी है ये 80000 की इसमें से 3% ये कंट्रीब्यूशन कर देता है ये आता है 2400 का कंट्रीब्यूशन यानी इसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम में कितना अमाउंट जुड़ेगा बचा हुआ यानी 77600 जुड़ेगा और इसी के ऊपर ही टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा तो क्वेश्चन ने पूछ लिया कि भाई इसकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी निकालो तो ये एम्प्लॉयमेंट इनकम दिस बिकम्स हिज टोटल इनकम उसमें से कोई रिलीफ देनी नहीं है आप सीधा इसमें से पी माइनस कर दीजिए आएगी इसकी टैक्सेबल इनकम और इसकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी आप कैलकुलेट कर देते हैं 65030 पे तो इसकी बेसिक रेट बैंड में आ जाएगा और फिर हंड्रेड पे फोर्टी परसेंट का टैक्स लग जाएगा सिंपल ये दोनों जो अमाउंट है ये टोटल आपका इनकम टैक्स आ जाएगा ठीक है इस इंडिविजुअल का ये इनकम टैक्स कैलकुलेट करना नेक्स्ट अब पर तो हम बात कर रहे थे जहां पे एम्प्लॉई या फिर एक इंडिविजुअल अपने लिए किसी भी पेंशन स्कीम में पैसा कंट्रीब्यूट करता है व्हाट इफ जब एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉई के लिए पेंशन स्कीम में पैसा कंट्रीब्यूट करे यानी अभी हम जो देख रहे हैं मेरे ऊपर हेडलाइन पे देखो जी हेडिंग पे देखो एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं यानी एम्प्लॉयर जो भी पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा उसके ऊपर क्या रूल्स है सो नंबर वन टैक्स डिडक्टेबल होता है मतलब कि जब ये एम्प्लॉयर अपनी इनकम कैलकुलेट करेगा टैक्स पे करने के लिए उसमें से ये वाले कॉन्ट्रीब्यूशन अलाउेबल होंगे means, जैसे कि एक एम्प्लॉयर है उसने अपने एम्प्लॉय के लिए कुछ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पाउंड का पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया क्या इनकम टैक्स के हिसाब से इसकी इनकम कैलकुलेट करते हुए ये खर्चा माना जाएगा बिल्कुल माना जाएगा यानी कि टैक्स डिडक्टेबल होगा और फिर जो भी अमाउंट बचा होगा उसके ऊपर इसको टैक्स पे कर देना होगा अब इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे सो so जब इसकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम हेड के अंदर इनकम कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले जो भी अमाउंट पीएनएल में डेबिट हुआ है आप इसको बैक कर देंगे क्यों क्योंकि ध्यान ये रखना कि इसको पेमेंट बेसिस पे डिडक्टेबल बनाना है जो भी अमाउंट पे हुआ है वो डिडक्ट किया जाएगा पी एंड एल में अमाउंट अप्रूवल बेसिस पे होता है तो पी एंड एल में जो भी पेंशन का अमाउंट डाला गया है उसको तो आप पहले बैक कर दीजिए माइनस करिए जो भी अमाउंट पेंशन के नाम पे पे हुआ है सो पेड बेसिस पे पेंशन के अमाउंट को एक एम्प्लॉयर की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम कैलकुलेट करते टाइम माइनस किया जाता है ये तो बात आती है एम्प्लॉयर की एम्प्लॉय के लिए ये एक बेनिफिट होता है यानी एम्प्लॉय के लिए अगर कंपनी या एम्प्लॉयर कोई पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन करता है उस पर उसको टैक्स नहीं देना होता वो उसके लिए बेनिफिट नहीं बनता द दजेंट पे टैक्स ऑन दिस अमाउंट दिस इज एक्ट तीसरी चीज ये जो अमाउंट है जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है इसको एनुअल अलाउंस के लिए कंसिडर किया जाता है नाउ द क्वेश्चन इज द्वेश्चन एनुअल अलाउंस क्या है तो एनुअल अलाउंस देखते हैं एनुअल अलाउंस है क्या अब एक इंडिविजुअल है वो खुद पेंशन फंड में पैसा जमा कराता है प्लस इसका एम्प्लॉयर भी पैसा जमा कराता है प्लस कोई थर्ड पार्टी भी पैसा जमा कराती है यानी ये इंडिविजुअल जो है ये पर्सनल पेंशन स्कीम भी होल्ड कर सकता है ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम भी होल्ड कर सकता है दोनों तीनों में यानी सारे के सारे कॉन्ट्रीब्यूशन अगर फोर्टी थाउजेंड पाउंड से ऊपर हैं तो एक टैक्स लगेगा इस इंडिविजुअल के ऊपर ये जो फोर्टी थाउजेंड का अमाउंट मैंने बोला इसे हम बोलते हैं अलाउंस अलाउंस हर साल अलाउंस का अमाउंट अलग मतलब ये दिया है एक इंडिविजुअल ड्यूरिंग टैक्स ईयर किसी भी कोई भी करे वो खुद करे चाहे कंपनी करे चाहे उसके बिहाफ पे कोई और बंदा करे वो टोटल फोर्टी थाउजेंड पाउंड तक पेंशन स्कीम में पैसा जमा करा सकता है उससे ज्यादा अगर उसने पैसा जमा कराया तो उसके ऊपर उसको टैक्स देना होगा एनुअल का मतलब तक के पैसे को टैक्स फ्री वो पेंशन स्कीम्स में जमा करा सकता है उससे ज्यादा उसने जमा कराया तो टैक्स चार्ज लगेगा टैक्स चार्ज किस रेट पे लगेगा नॉन सेविंग्स इनकम में आपके पास तीन रेट्स होती हैं ट्वेंटी फोर्टी एंड फोर्टी फाइव ये टॉप स्लाइस इनकम वाली रेट पे लगाएगा मतलब उस इंडिविजुअल के ऊपर अगर हाईएस्ट रेट 40% परसेंट लग रही है तो ये 40,000 से ऊपर इसने जितना भी पेंशन स्कीम में पैसा डाल दिया उसके ऊपर 40% परसेंट रेट लगेगी अगर ये इंडिविजुअल 20% परसेंट वाला ही टैक्स पेयर है तो 40,000 से ऊपर का पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन ट्वेंटी पे टैक्स हो जाएगा अगर ये इंडिविजुअल फोर्टी वाला टैक्स पेयर है तो 40000 पाउंड से ऊपर इसने जो भी पेंशन फंड में पैसा डाला दैट विल बी टैक्स्ड एट 45% अब तुम सोचोगे कि यार ये एनुअल अलाउंस ने तो सारी की सारी टैक्स रिलीफ की ऐसी की तैसी कर दी लेकिन इसमें एक चीज है एक फायदा है ये जो 40000 का अमाउंट है यू कैन इंक्रीज दिस अमाउंट इंक्रीज दिस अमाउंट बाय व्हाट अमाउंट पिछले तीन सालों में अगर कोई भी एनुअल अलाउंस अनयूज्ड है यानी पिछले तीन सालों में हो सकता है आपने पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन कम किया हो पिछले तीन सालों में से हो सकता है पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन किया ही नहीं हो तो पिछले तीन सालों का फोर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड पूरा का पूरा बचा हुआ है वो इसमें जोड़ लो उतना पैसा आपको पेंशन स्कीम में जमा करने पे भी टैक्सेबल नहीं होगा लेट्स सपोज पिछले साल आपने ट्वेंटी का पेंशन स्कीम में पैसा डाला तो ये अनयूज ए ए कितना बचेगा पिछले साल फोर्टी थाउजेंड में से ट्वेंटी फाइव आपने पेंशन स्कीम में पैसा डाला यानी बचा फिफ्टीन थाउजेंड जो आपने अनयूज ए ए की तरह रखा है ये पिछले तीन सालों का ही आप यूज कर सकते हैं ये फिफ्टीन थाउजेंड पिछले साल का ऐसे ही पिछले उससे भी पहले वाले दो सालों को देखना इस फोर्टी थाउजेंड में एड करना ये टोटल अमाउंट है जो आप पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं और टैक्स भी नहीं होगा कुछ नहीं होगा so दो इंपॉर्टेंट रूल्स और हैं। इनको ध्यान रखना इस स्लाइड को अच्छे से समझना रिवाइंड करके वापस से समझना ये बार बार क्वेश्चंस में आती है सबसे पहला रूल आपका अनयूज्ड एए आप पिछले तीन सालों में तभी यूज कर सकते हैं या पिछले तीन सालों का तभी यूज कर सकते हैं जब इन पिछले तीन सालों में आप उस रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम के मेंबर रहे हो मतलब ये जो पेंशन स्कीम होनी चाहिए ये रजिस्टर्ड होनी चाहिए तो टैक्स रिलीफ भी तभी, तभी मिलेगी ये एनुअल अलाउंस भी तभी, तभी मिलेगा जब इन तीन सालों में भी आप रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम के मेंबर रहे हो पॉइंट नंबर टू हमें किस सीक्वेंस में इसको यूज करना है मतलब कि पिछले तीन साल मतलब पिछला वाला साल में लेती हूँ थर्ड ईयर उससे पहले वाला साल में लेती हूँ ईयर और सबसे पुराने वाला साल में लेती हूँ मतलब अनयूज ए ए मुझे इस साल का लेना है फिर सेकेंड ईयर का फिर थर्ड ईयर का और स्पेसिफिकली इसको लेती हूँ फीफो का क्या मतलब लेट्स सपोज पिछला साल यहां पे होता है हमारे लिए टैक्स इ्वेंटी 21 22 ये पिछला टैक्स ईयर है फिर ये एंड देन 1920 फीफो का मतलब सबसे पहले वाले साल का अनयूज्ड एए सबसे पहले लो उसके बाद में इसका लेना फिर इसका लेना और तीनों का जोड़ लगा के 40000 में जोड़ देना यानी आपका इस साल का पेंशन कंट्रीब्यूशन टोटल इस अमाउंट तक अगर है तो कोई टैक्स नहीं लग रहा लेकिन उससे ऊपर अगर आपने पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया तो अपनी हाईएस्ट रेट पे उस पर टैक्स पे कर देना जी सो सिंपल इज दैट तो इस सिंपल सी चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं आई विल डिसअपीयर एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू चलिए जी लेट्स डू इलस्ट्रेशन नंबर 3 ये आपकी कैपलिन स्टडी टेक्स्ट का इलस्ट्रेशन 3 के नाम से क्वेश्चन आपको मिलेगा

तो अब सीधी सी बात हमने अभी जो ये वाली स्लाइड देखी है इसको अप्लाई करना सीखेंगे क्या होता है कोई भी इंडिविजुअल उसका एम्प्लॉयर या कोई थर्ड पार्टी फोर्टी थाउजेंड पाउंड से ऊपर अगर पेंशन्स में कर दे तो एक टैक्स चार्ज लेवी किया जाएगा यहाँ पे स्टीव की अगर हम पहले बात करें तो स्टीव का हिसाब किताब देखो करंट ईयर में वो खुद कितना ज्वाइन कितना कॉन्ट्रीब्यूट करना चाह रहा है ये उसके ग्रॉस पर्सनल कॉन्ट्रीब्यूशन है ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू में उससे पहले वाले साल में और उससे पहले वाले साल में तीनों में उसने क्या किया ये आपको दिया हुआ है 40, तक करा दो? नहीं, पर पिछले तीन सालों का भी तो ए सकता है यानी वो पेंशन में ज्यादा अमाउंट डाल सकता है ज्यादा अमाउंट डाल सकता है कुछ लिमिट तक जिसमें टैक्स नहीं बनेगा तो ये अमाउंट अपने को फाइंड आउट करना है कि एनुअल अलाउंस ये तो फोर्टी थाउजेंड है ही है प्लस पिछले सालों का कितना हो सकता है उतने लेवल तक स्टीव अगर पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन कर दे तो उसको टैक्स नहीं देना होगा तो सिंपल मैं यहां पे क्या करती हूँ एक तो करंट टैक्स ईयर का यानी कि ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री का फोर्टी थाउजेंड तो इसके पास है ही है दोनों के पास ही है प्रीवियस थ्री ईयर्स का भी इनको मिल जाता है और ये प्रीवियस 3 इयर्स आपको लेने हैं FIFO बेसिस पे और ध्यान ये रखना है कि आप जिन पिछले तीन सालों पे ले रहे हो तब आप इस रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम के पार्ट होने चाहिए हो तो स्टीव तो बहुत पहले से रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम का पार्ट है यानी मुझे पिछले तीन साल देखने हैं बस और ये पिछले तीन साल इन्होंने ये दे रखे हैं FIFO बेसिस पे मतलब सबसे पहले साल का एए -ए, मुझे सबसे पहले जोड़ना है तो सबसे पहले साल का यानी 1920 का एए में कुछ बचा है क्या जो मैं इस फोर्टी में जोड़ू कुछ नहीं बचा मतलब 40,000 से तो उल्टा ये ज्यादा ही हो गया तो इसमें बचा हुआ कुछ नहीं है जो इस साल के एए में जुड़ सकता है बल्कि जो एक्स्ट्रा है वो और इसने 1920 के पहले वाले तीन सालों में से निकालने की कोशिश की होगी लेकिन इसका खुद के साल का कुछ नहीं बचा आगे बढ़ते हैं ट्वेंटी में से कुछ बचता है क्या यानी 2021 के करंट ईयर जो 40,000 का इसका ए, ए रहा होगा उसमें से इसने 25,000 तो यूज कर लिया होगा अपनी इनकम को इसमें टैक्स बचाने के लिए बाकी कितना बचता है 15,000 बचता है ये 15 कैसे आया 40 में से उसने 25,000 को अपनी इनकम रिलीव कराने के लिए यूज कर लिया होगा बाकी बचा हुआ एनुअल अलाउंस कितना अनयूज रह गया फिफ्टीन वो मैं अब इस फोर्टी में जोड़ सकती हूँ तीसरा साल ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू इस साल इसने सेवेंटीन थाउजेंड का पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन किया इस साल भी फोर्टी थाउजेंड का ए ए होगा उसमें से इसने सिर्फ थाउजेंड ही यूज़ किया टू गेट इन टैक्सेस, यानी बाकी अनयूज्ड कितना हुआ ट्वेंटी थ्री थाउजेंड तो ये ट्वेंटी थ्री फिफ्टीन और जीरो हम करंट ईयर के फोर्टी थाउजेंड में ऐड कर सकते हैं यानी टोटल सेवेंटी एट थाउजेंड का एनुअल अलाउंस आ जाएगा 78,000 तक का अगर स्टीव इस साल पेंशन कंट्रीब्यूशन करे तो उसको कोई टैक्स नहीं देना होगा लेकिन अगर 78,000 से ज्यादा कर देगा तो फिर उसको टैक्स भरना होगा एक्सेस ऐसे ही कैलकुलेशन देखते हैं माइक की। तो माइक तो सेम है करंट ईयर का ए ए तो है ही है पिछले तीन सालों का चेक करते हैं इसके पिछले तीन सालों में से ये पहले वाले साल में तो मेंबर ही नहीं था यानी इसके लिए ये पिछले तीन साल जो है ये बन जाएंगे सिर्फ दो साल 2020-21 ट्वेंटी एंड 21, 22 ये प्रीवियस थ्री इयर्स में से दो साल ही मिलेंगे क्योंकि ये जो साल है इस साल में ये इस पेंशन स्कीम का मेंबर नहीं था तो ए, -ए कैलकुलेशन में आपको तीन साल जो लेने हैं उसमें से आप ये तभी ले सकते हैं जब आप उस पेंशन स्कीम के मेंबर हो लेकिन ये 1920 में तो इस पेंशन स्कीम का मेंबर था ही नहीं यानी कि आपको सिर्फ 2021 और 2122 के ही ए ए में अनयूज वाले ए जोड़ने की परमिशन है तो अब देख लेते हैं यहाँ पे 40 में से उसने 15 यूज कर लिया बचा 25। इधर 40 में से उसने 6 यूज कर लिया होगा बचा 34,000 ठीक है तो आप ये ले लो 25 और 34,000 फोर थाउजेंड का टोटल एनुअल अलाउंस हो जाएगा पिछले तीन सालों का जोड़ के भी यानी कि अभी इस साल माइक 99,000 पाउंड्स तक का पेंशन कंट्रीब्यूशन कर सकता है और इस पे कोई भी टैक्स चार्ज नहीं लगेगा लेकिन इससे ज्यादा अगर उसने किया तो फिर उसकी हाईएस्ट जो टैक्स रेट उस पर एप्लीकेबल है उस पे इसको टैक्स भरना होगा एक्सेस अमाउंट पे उसके लिए भी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं दिस इज योर अंडरस्टैंडिंग थ्री ये इस वाली बात को एड्रेस करेगा Marcus has been employed for many years. However, he only became a member of personal pension scheme in the tax year 1920. So, ध्यान रखना 1920 में वो member था. In the tax year 2223, Marcus earned one lakh pounds and made a gross contribution of 86,000 pounds into his personal pension scheme. तो so, contribution उसने कितना किया? 86,000. Earnings उसकी कितनी है? One lakh pounds. Last three years में उसके ग्रॉस पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या थे वो आपको तीनों दे दिए कैलकुलेट मार्कस इनकम टैक्स लाइबिलिटी फॉर द टैक्स ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री तो सबसे पहली चीज स्टेप बाय स्टेप चलेंगे सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या टैक्स रिलीफ मिलेगी वो निकालते हैं क्या था पॉइंट नंबर और में से लोअर पॉइंट टू क्या था हायर ऑफ टू वैल्यूज थर्टी सिक्स हंड्रेड एंड हंड्रेड परसेंट ऑफ रेलिवेंट अर्निंग्स हंड्रेड परसेंट ऑफ रेलेवेंट अर्निंग्स इसकी है वन लाख पाउंड इन दोनों में से हायर वैल्यू है

यानी कि पहले तो कॉन्ट्रीब्यूशन पेड माइनस ये ट्वेंटी परसेंट अमाउंट ट्वेंटी परसेंट ऑफ टैक्स रिलीफ ध्यान रखना ये माइनस करोगे नहीं सिक्सटी एट हंड्रेड सिक्सटी एट एट हंड्रेड ये निकाल लोगे आप कि 68, 800 तो पे करेगा वो पेंशन स्कीम में और अब क्योंकि वो हायर रेट टैक्सपेयर है उसकी इनकम वन लाख पाउंड है जो थर्टी सेवन सेवन हंड्रेड से ऊपर है <coughs> ही इज रेट टैक्सपेयर हाई रेट टैक्सपेयर की जो बैंड्स हैं उनको आपको इंक्रीज करना होगा यानी इसकी जो बेसिक रेट बैंड और हायर रेट बैंड है हायर रेट बैंड की जरूरत नहीं है बेसिक रेट बैंड इंक्रीज कर देते हैं ध्यान रखना ग्रॉस अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड से ये अमाउंट आप करते हैं बैंड तो अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेडी सिक्स थाउजेंड पाउंड रिलीफ से नहीं इंक्रीज करना कॉन्ट्रीब्यूशन से करना होता है दिस विल बी टैक्स डेट ट्वेंटी परसेंट यानी बैंड क्या बनेगी दिस विल बी टैक्स 20% अब दूसरी बात इन्होंने पूछा इसकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी निकालो तो चलो इनकम टैक्स लाइबिलिटी निकालने से पहले एए वाला इसका हिसाब किताब देख लेते हैं करंट ईयर का एए इसके पास कितना है 40000 पिछले तीन सालों का देख लेते हैं अब पहले साल की बात करती हूं मैं 40 में से 17 उसने यूज किया तो अनयूज्ड कितना बचा 23000 ये अबकी बार यूज हो जाएगा फिर 40 में से इस बार उसने 50 यूज कर लिया अब ये जो 50 है इसको सेट ऑफ करने के लिए ये पिछले तीन सालों में गया होगा यानी इसने हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई 1920 में इस पैसे को यूज करने की कोशिश की होगी क्योंकि उससे पहले तो ये स्कीम का पार्ट ही नहीं था तो ये -10000 आ जाएगा क्योंकि ये इसने इसी एए में से यूज किया होगा और लास्ट वाला 40 में से 34 माइनस करो 6000 आ जाता है यानी अब हमारे पास पिछले सालों के प्रीवियस 3 इयर्स के क्या-क्या बैलेंसेस बचते हैं 23 10 और प्लस 6000 इनका जब नेट करोगे 13 और ये 6 19 तो 59,000 आ जाएगा टोटल पाउंड्स 59 है 59,000 पाउंड है तो पहली बात उसने कंट्रीब्यूशन कितना किया है 86,000 का कंट्रीब्यूशन किया है 59,000 से ऊपर जितना भी है वो पूरा का पूरा हाइएस्ट पॉसिबल रेट पे उसको टैक्सेबल हो जाएगा मतलब 27000 विल बी टैक्स्ड एट जो हाईएस्ट रेट उसपे अप्लाई होगी यानी कि 40% वाले पे जाना चाहिए क्योंकि अभी तो मुझे लग रहा है वो इनकम एक लाख देख के कि 40% पे जाएगा पर फिर भी एक बार अपन इसको चेक करते हैं तो 27000 उसके हाईएस्ट एप्लीकेबल रेट पे आप टैक्स कर देंगे तो चलो अब एक बार आ जाते हैं इसकी टैक्स कैलकुलेशन पे इसको हटा देती हूं यहां से अब इसकी देखो हमने बैंड बढ़ा ली तो ये तो पूरा का पूरा ट्वेंटी चला गया वन लाख ट्वेंटी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड तक की इनकम पे ट्वेंटी परसेंट टैक्स लगेगा इसकी इनकम कितनी है 1 तो 1 ,00 में से सबसे पहले तो पीए देना क्योंकि पीए उसको यहाँ मिलेगा पीए वन लाख से ऊपर होगा तो हम डिडक्शन की सोचेंगे तो एटी सेवन फोर थर्टी पे ट्वेंटी परसेंट टैक्स लगेगा तो इसकी इनकम पे हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स कौन सा लग रहा है ट्वेंटी परसेंट यानी जो ट्वेंटी सेवन थाउजेंड है इस पे फोर्टी परसेंट नहीं ट्वेंटी परसेंट के हिसाब से हम टैक्स लगा देंगे तो लगा दो इसका इनकम टैक्स एटी सेवन फोर थर्टी पे ट्वेंटी परसेंट का पहला अमाउंट तो ये आएगा दूसरा अमाउंट जो आपने पेंशन का एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन किया है कितना एक्सेस कंट्रीब्यूशन किया है 27,000 वो इसकी हाईएस्ट स्लैब रेट पे लगेगा यानी 20 परसेंट पे लगेगा ये वन और 5400 ये ऐड करो दिस इज द इनकम टैक्स फॉर मार्कस फॉर द करंट ईयर ठीक है ये दोनों के दोनों दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट ए ए से ऊपर वाले कॉन्ट्रीब्यूशन की टैक्सीबिलिटी नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ ए ध्यान है हमने पीए रिडक्शन की बात की थी यहां पे भी सेम उसी तरह की बात होगी यानी ए ए को भी रिड्यूस किया जा सकता है अमीर लोगों के लिए कैसे ए ए का भी अमाउंट रिड्यूस हो सकता है इफ द एडजस्टेड इनकम एक्सीड्स टू लैख फोर्टी थाउजेंड पाउंड नाउ रिमेंबर हम यहाँ पे एन आई की बात नहीं कर रहे हैं जो पीए में होती थी यहां पे बात हो रही है एडजस्टेड इनकम द क्वेश्चन अराइजेस रिडक्शन कितना होगा पाउंड से ऊपर जितनी भी है एडजस्टेड इनकम उसका बताऊंगी कुछ -कुछ पहले एडजस्टेड इनकम देखो एडजस्टेड इनकम में आपको लेनी है नेट इनकम यानी जो इनकम टैक्स कॉम्पिटिशन से पहले वाली होती है नेट इनकम आप लेते हैं उसमें दो आइटम्स आप ऐड कीजिए एम्प्लॉ का ऑक्यूपेशनल पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन जो उसने उस इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए किया एम्प्लॉय के लिए इन दोनों अमाउंट को एड करो नेट इनकम में दिस इज योर एडजस्टेड इनकम अब यह एडजस्टेड इनकम अगर टू लाख फोर्टी थाउजेंड पाउंड से ऊपर है तो जितनी भी एक्सेस है उसका फिफ्टी परसेंट इज रिडक्शन इन ए अब एक चीज जो मैंने बीच में एक बुलेट छोड़ा आप ए ए रिड्यूस करिए ग्रेट बट एक चीज का ध्यान रखिए ए ए रिड्यूस होकर फोर थाउजेंड पाउंड से नीचे कभी नहीं जाना यानी पीए को तो हम जीरो कर देते थे यहां पे हम ए ए को जीरो नहीं करते हैं या तो वो फोर थाउजेंड पाउंड होगा या फिर उससे ऊपर होगा दैट यू हैव टू रिमेंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है कई बार क्वेश्चन इसी में फंसा देता है तो करते हैं इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सो दैट यू गेट मोर क्लैरिटी ऑन दिस

पहले तो एडजस्टेड इनकम कैलकुलेशन करनी चाहिए मैं यहीं पे सामने ही कर लेती हूँ इनकी एडजस्टेड इनकम ये एडजस्टेड इनकम क्या होती है आपकी जो भी नेट इनकम है उसमें का और एम्प्लॉयर का दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन आप जोड़ लीजिए ये इसकी इनकम दिख रही है दोनों तीनों की इसमें एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन जोड़ लो यानी बेसिकली इन तीनों आइटम्स का टोटल ले लो आप तीनों मतलब थर्टी थाउजेंड फाइव थाउजेंड और टू लाख दिस कम्स टू थर्टी फाइव थाउजेंड बेलिंडा के लिए आती है थ्री टेन प्लस टू प्लस एट थ्री ट्वेंटी टू फिफ्टी प्लस ट्वेंटी प्लस ट्वेल्व थाउजेंड ये कितना आएगा सेवेंटी एटी एटी टू टू एटी टू थाउजेंड तो सबसे पहला स्टेप हमने तीनों की एडजस्टेड इनकम्स कैलकुलेट कर ली अब सबसे पहली चीज एन की बात करती हूं क्या उसकी एडजस्टेड इनकम टू लैखी है? था है. पूरा का पूरा मिलेगा कोई ए ए रिड्यूस नहीं होना लेकिन आप ये कैलकुलेशन एडजस्टेड इनकम की एग्जाम में फिर भी दिखाएंगे ये एग्जामिनर को बताएंगे कि आपने चेक किया है कि इसके ए ए को रिड्यूस क्यों नहीं करना अब आते हैं बेलिंडा की तरफ बेलिंडा की एडजस्टेड इनकम आ रही है 320 मतलब एए रिड्यूस होगा तो 320 से रिडक्शन पहले कैलकुलेट करते हैं एडजस्टेड इनकम इज 320 माइनस 240 इज दी स्टैंडर्ड अमाउंट जितना भी एक्सेस है उसका 50% परसेंट विल बी दी रिडक्शन इन एए ये आप चेक करेंगे तो ये कितना आने वाला है uh, टू फोर्टी कितना आ रहा है भाई टू फोर्टी और थ्री ट्वेंटी ये आता है आपका साठ सत्तर अस्सी अस्सी हजार राइट और अस्सी का फिफ्टी परसेंट बिल 40,000. फोर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड आ गया आपका ए ए है कितना आपका ए ए है फोर्टी थाउजेंड एलिजिबिलिटी है जिसको हम रिड्यूस कितना कर रहे हैं 40,000 से ही रिड्यूस कर रहे हैं। ओहो, ए ए ए ए जीरो हो गया। यानी कि कि आप आप जो रिडक्शन रिडक्शन करेंगे, करेंगे। करेंगे वो वो का नहीं इतना 4, तो बची जाए वरना आप ये भी मैंने जो तरीका किया था आप इससे भी कर सकते हो मतलब कि इसको पूरा जीरो कर दो और फिर नीचे एक नोट डाल कैन नेवर बी बिलो फोर पाउंड्स तो बेलिंडा के केस में ए ए कितना होगा फोर थाउजेंड पाउंड का हो जाएगा अब तीसरे केस में आते हैं कैरल के केस में कैरल के केस में भी उसकी इनकम टू लाख फोर्टी थाउजेंड से ऊपर आ रही है तो कैरल के केस में आ जाओ वापस से रिडक्शन की तरफ चलते हैं हम्म उसकी एडजस्टेड इनकम है टू एटी टू थाउजेंड टू फोर्टी करा लो ये आएगी फोर्टी टू थाउजेंड और फोर्टी टू थाउजेंड का 50 फिफ्टी परसेंट करेंगे तो ये आना चाहिए ट्वेंटी वन थाउजेंड तो कैरल के फोर्टी थाउजेंड का नॉर्मल ए ए है इसमें से ट्वेंटी आप कम कर रहे हैं बचा हुआ नाइनटीन थाउजेंड उसकी एलिजिबिलिटी होगी इस साल की यानी इस साल का ए ए उसके लिए कितना होगा नाइनटीन थाउजेंड का पूरा फोर्टी थाउजेंड नहीं लेना अब उसका जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें से नाइनटीन थाउजेंड तक पे तो उसको टैक्स नहीं देना नाइनटीन थाउजेंड से ऊपर होते ही शी विल हैव टू पे टैक्स वो भी कौन सी रेट पे अपने हाइएस्ट स्लैब पे हाइएस्ट रेट एप्लीकेबल पे नाउ एक्सेसिंग देंशन फंड तो ये पेंशन फंड में पैसा जमा कराते 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 क्या कोई इंडिविजुअल इसको निकाल पाएगा निकाल पाएगा यानी इस फंड को एक्सेस किया जा सकता है लेकिन एक एज लिमिट के बाद कब जब तक वो फिफ्टी फाइव ईयर्स का ना हो जाए यानी पेंशन फंड से पैसा तभी निकाला जा सकता है वेन इन इंडिविजुअल रीचेज देंशन एज और पेंशन एज यूके में फिफ्टी फाइव ईयरस है अब ये जो मनी परचेज स्कीम है इसके साथ विड्रॉल का थोड़ा सा सिस्टम अलग है ट्वेंटी फाइव परसेंट अमाउंट आप जो निकालते हैं दैट इज ऑलवेज टैक्स फ्री बाकी जो बैलेंस है वो आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं यानी आप उसको चाहे नॉन सेविंग्स इनकम तरह ट्रीट कर लें मंथली निकाल लें क्वार्टरली निकाल लें या फिर एनुअल फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट्स में निकाल लें तो ध्यान रखना जो मनी परचेज स्कीम है इसमें से 25 परसेंट तो आप एक साथ निकाल सकते हैं जबकि ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में सारा आपको मंथली मिलेगा यहाँ पे मंथली की जरूरत नहीं है ट्वेंटी आप चाहें लमसम निकाल लीजिए ये टैक्स फ्री होगा इस पर टैक्स नहीं देना होगा जो बचा हुआ सेवेंटी फाइव परसेंट है वो आप डिसाइड करिए आप मंथली चाहते हैं या क्वार्टरली चाहते हैं कैसे भी कर लीजिए और जब भी आप रिसीव करेंगे वो नॉन सेविंग्स इनकम की तरह टैक्स की जाएगी यानी ट्वेंटी फाइव परसेंट टैक्स फ्री सेवेंटी फाइव परसेंट विल बी टैक्स वेन यू विल रिसीव इट तो तो ये एक्सेसिंग पेंशन फंड है एक छोटा सा क्लॉज इसमें और है लाइफ टाइम अलाउंस का जब पेंशन इतने फायदे की डील है तो धमा धम पेंशन में कॉन्ट्रीब्यूट करते रहो ना नहीं इस पे जो टैक्स रिलीफ है या फिर जो अलाउंस है वो एक लिमिट तक का ही है यानी पूरे लाइफ टाइम का अलाउंस फिक्स्ड है आप कुछ अमाउंट तक जो पेंशन स्कीम में डालते चले जा रहे हैं डालते चले जा रहे हैं बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो सकता है लाइफ टाइम अलाउंस है कि आप जो भी डालते जा रहे हैं इसकी एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी गई है इससे ऊपर अगर आप पैसा डालते हैं फिर वो टैक्स हो जाएगा भैया फॉर द कर आपका टेन लैख सेवेंटी थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड पाउंड तक का अमाउंट लाइफ टाइम अलाउंस है यानी इतने अमाउंट तक आप पूरी जिंदगी पेंशन फंड में पैसा इकट्ठा करिए टैक्स नहीं लगेगा लेकिन इससे ऊपर आपको टैक्स देना होगा और ये टैक्स आप देंगे कब जब भी आप इस फंड में से पैसा निकालेंगे 10 तक आप जब पेंशन फंड में पैसा जमा कराते रहते हैं तब तक कोई भी आपको उस पर टैक्स नहीं देना होता, क्योंकि लाइफ टाइम अलाउंस उस पर एप्लीकेबल होता है जैसे ही इस अमाउंट से ऊपर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सीड कर जाएगा और पेंशन फंड का बैलेंस इससे ज्यादा हो जाएगा इन दैट केस आपको उस पर टैक्स भरना होगा

पिछले तीन सालों का कॉन्ट्रीब्यूशन उसका दिया हुआ है सारे कॉन्ट्रीब्यूशन ग्रॉस है अबीनाज एडजस्टेड इनकम डिड नॉट एक्सीड 240 फोर्टी इन एनी टैक्स ईयर, मतलब रिडक्शन इन एए ए नहीं करना है

अराइज ना हो जाए यानी कि एनुअल अलाउंस में जो भी अमाउंट कवर हो जाए उतना कॉन्ट्रीब्यूशन आपको निकालना है तो वापस से हम इसको देखते हैं सबसे पहले करंट ईयर पे आती हूं करंट ईयर का ए कितना अवेलेबल होगा फोर्टी थाउजेंड और पिछले तीन सालों का अनयूज ए भी आपको मिल सकता है तो पिछले तीन साल हैं उसके पास टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी 2021 एंड 2122 मैं सबसे पहले साल पे आती हूं 42000 इस साल तो कुछ अनयूज्ड बचा ही नहीं 40000 का था 42000 का उसने यहां पे कंट्रीब्यूशन कर दिया ये जो एक्सेस 2000 है क्या मैं इसको यहां पे माइनस 2000 लिखूं आई विल नॉट टेक इट एज माइनस 2000 क्यों क्योंकि ये जो इसने एक्सेस में 2000 का कंट्रीब्यूशन किया होगा ये 1920 से पहले जो तीन साल रहे होंगे उसमें ए -ए में से यूटिलाइज कर लिया होगा ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूं आप जिस साल कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं 40, प्लस पिछले तीन सालों का ए -ए, आप यूज कर लेते नाइनटीन ट्वेंटी में इसने जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया होगा ये फोर्टी थाउजेंड से एक्सीड करता है यानी ये जो टू थाउजेंड एक्स्ट्रा है ये पिछले तीन सालों का अगर कोई अनयूज्ड एए होगा तो उसमें से एडजस्ट उसने किया होगा इसलिए यहाँ पे इसको -2000 लेने की जरूरत नहीं है बेसिकली हम यहाँ पे ये यह देखेंगे 1920 का 40000 में से कोई भी अमाउंट नहीं बचा देयर इज नथिंग अनयूज्ड एक क्वेश्चन पीछे हमने किया था जिसमें इन वाले किसी सालों में ज्यादा कंट्रीब्यूशन था वहां हमने नेगेटिव दिया था नेगेटिव क्यों लिया था क्योंकि उसके पिछले वाला साल आपके तीन सालों में से एक पड़ रहा था मतलब अगर ये सेकंड ईयर में होता मतलब ये अगर 2000 इधर होता 42 का कंट्रीब्यूशन इधर होता तो मुझे -2000 लेना पड़ता क्यों क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन है वो पिछले तीन सालों के अनयूज्ड एए से सेटिस्फाई या फिर सेटल किया गया होता और पिछला तीन साल ये होता एक और इससे पिछले दो और तो ये तो अभी मेरे मतलब का साल है ना इसलिए मुझे वहां पे -2 लेना पड़ता लेकिन यहां पे माइनस टू लेने की जरूरत नहीं है रीजन बींग मुझे ये माइनस टू सेटल करने के लिए 2018-19 मिल गया होगा या फिर 17-18 मिल गया होगा तो इस 2000 के लिए मुझे अभी इन सालों में कुछ करने की जरूरत नहीं है तो फिलहाल मेरे लिए इस साल से रिलेटेड 40,000 में से कुछ नहीं बचा अब आते हैं 2021 पे 40,000 में से 37 का कंट्रीब्यूशन हुआ यानी कि कितना अमाउंट बच गया अनय का थ्री थाउजेंड नेक्स्ट पे आ जाओ ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू पे ट्वेंटी एट थाउजेंड का कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ यानी जो करंट ईयर का इस साल का फोर्टी थाउजेंड रहा होगा उसमें से ट्वेंटी एट आपने यहां यूज कर लिया अनयूज कितना बचा बारह हजार यानी पिछले तीन सालों का अनयूज अमाउंट कितना है फिफ्टीन थाउजेंड तो करंट ईयर का फोर्टी पिछले सालों का फिफ्टीन टोटल फिफ्टी फाइव थाउजेंड एए ए ए उसको अवेलेबल हो सकता है यानी फिफ्टी फाइव थाउजेंड तक का अगर पेंशन अभी अबीना कर देती है तो उस पर टैक्स चार्ज नहीं पे करना होगा द आंसर इज सी अच्छा क्वेश्चन है इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना इसके बाद में करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी रॉजर के नाम से आपको यह मिलेगा रॉजर इज एम्प्लॉयड

एम्प्लॉ यानी रॉजर के लिए ये एग्जेप्टेनिफिट होगा इसको कंसिडर करना ही नहीं है ये पेमेंट एक्स्ट्रा मिलेगा ओवर एंड अब दैलरी मिलेगा ये रॉजर को उसके ऊपर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है Roger also made a payment of twenty thousand pounds into a personal pension scheme in the tax year 2223. तो Roger ने क्या कर रखा है? अपने occupational pension scheme में तो पैसा डाल रखा है, personal pension scheme में भी वो कुछ amount डालता है. What is Roger's net income before deducting the pa for the tax year 2223? तो पहली चीज़ ये income पूछ रहा है. उसकी employment income आएगी 145,000 forty की. इसमें से माइनस करोगे आप उसका खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन क्योंकि ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में एम्प्लॉई का खुद का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो माइनस हो जाता है फिर जो इनकम बचती है उसके ऊपर जो कंपनी है वो टैक्स डिडक्ट करती है तो ये वन फाइव थाउजेंड का टू परसेंट खुद कॉन्ट्रीब्यूट करता है ये आएगा 28 और ट्वेंटी आना चाहिए उंड नेट इनकम बचेगी आपका सवाल होगा ये ट्वेंटी थाउजेंड जो इसने पर्सनल पेंशन स्कीम में डाला है इसको क्यों नहीं कंसिडर किया इसका डिडक्शन मिलेगा टैक्स रिलीफ मिलेगी इनकम नहीं जोड़नी है उसकी क्वेश्चन ने इनकम पूछी है तो दिस ट्वेंटी थाउजेंड इज नॉट इनकम इसको अलग से मत जोड़ देना इस पे आपको देनी होगी उसको टैक्स रिलीफ वो कैसे देनी है मुझे सोच के बताना ठीक है तो यहाँ पे इसकी इनकम आएगी वन फोर्टी टू वन हंड्रेड पाउंड ये इसकी टोटल नेट इनकम आएगी बिफोर पीए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं कितना इजी सा क्वेश्चन था ये नेक्स्ट सेवेंटी Natalia's only income in the tax year is trading income of one lakh pounds. She also has an annual allowance charge of ten thousand pounds as a result of making gross pension, personal pension contribution of fifty thousand pounds in the tax year twenty two twenty three. देखो जी दो चीजें हैं. पहली बात उसकी इनकम वन लाख पाउंड है उसके अलावा एनुअल अलाउंस चार्ज भी अराइज हो रहा है यानी कि फोर्टी थाउजेंड से ऊपर उसने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है जिसकी वजह से जो भी एक्सेस है उसके ऊपर उसको टैक्स बेयर करना होगा

आइडेंटिफाई करो ये कौन सा टैक्स पेयर है उसकी ट्रेडिंग इनकम वन लाख पाउंड आ रही है अगर आप उसकी टैक्सेबल इनकम निकालोगे तो पीए पहले माइनस करोगे पीए पूरा का पूरा मिल जाएगा उसको तो उसकी टैक्सेबल इनकम आएगी एटी सेवन थाउजेंड फोर थर्टी ये ये वाला बंदा से से ज्यादा है, टैक्सेबल से ज्यादा है, 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 इसका मतलब ये higher rate band का individual है, तो higher rate band में जाएगा। rate band वाले जब कोई भी personal pension contribution करते हैं तो उनकी बैंड इंक्रीज कर दी जाती है एक तो तरीका ये होता है पहला तो उनको क्या होता है 20% पेमेंट करते टाइम पे उनको टैक्स रिलीफ मिलती है हम टैक्स टैक्स रिलीफ की बात नहीं कर रहे कर रहे रहे हैं तो इनकम कैलकुलेट है, एक तो वो होगा लेकिन इस पूरी कैलकुलेशन का कहीं भी हमारे इंपैक्ट नहीं आता इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करूंगी टाइम बचाना इनकम टैक्स लाइबिलिटी पे इंपैक्ट किस चीज का आएगा बैंड बढ़ने का यानी कि इसकी बेसिक रेट बैंड बढ़ जाएगी कितने अमाउंट से ग्रॉस कॉन्ट्रीब्यूशन से ग्रॉस कॉन्ट्रीब्यूशन इसका फिफ्टी थाउजेंड तो फिफ्टी थाउजेंड से आप इसकी बैंड बढ़ा देंगे हंड्रेड तक की इनकम पे ट्वेंटी परसेंट से ये टैक्स देगा अब ध्यान से देखना बहुत उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी है एटी सेवन फोर थर्टी सेवन फोर थर्टी का टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा एट सेवन है राइट तो मैं फोर थर्टी पे ट्वेंटी परसेंट टैक्स लगा देती हूँ तो ये तो पूरी की पूरी टैक्स हो गई ये अमाउंट कितना आएगा 17486 ठीक है अब बात करते हैं इस एक्सेस की टैक्सेबिलिटी के इस एक्सेस की टैक्सेबिलिटी का क्या रोल होता है इस इंडिविजुअल की इनकम की टॉप रेट पे आप इस अमाउंट को टैक्स करते हैं तो इसकी तो दो रेट लग जाएंगी कैसे 87430 तक तो इसको 20% देना है लेकिन ये 10000 और टैक्स करने हैं ना यानी इस 10000 को टैक्स करने के लिए मेरे पास दो रेट्स हैं एक 20% फोर्टी परसेंट तो ध्यान से देखना आपके पास एटी सेवन सेवन हंड्रेड लगा इस अमाउंट है ट्वेंटी परसेंट टैक्स लग सकता है तो ये जो 10,000 है इसमें से ये जो एनुअल अलाउंस चार्ज है इसको मुझे दो टुकड़ों में टैक्स करना होगा सेवेंटी पाउंड पे ट्वेंटी परसेंट टैक्स लगेगा और बाकी बचे हुए अमाउंट पे फोर्टी परसेंट ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये अपने आप में एक अकेला तरह का क्वेश्चन है ये इसको ध्यान से करना ये अमाउंट आएगा फिफ्टी फोर और, और इन तीनों का टोटल लगा लेना ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी आएगी रुको लगा ही लेते हैं फिर एक बार फोर थर्टी टू आंसर शुड बी ट्वेंटी बी बी बहुत इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना इस क्वेश्चन को दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट तो ये तीन क्वेश्चंस तो मैंने आपको करा दिए बाकी पेंशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, उनको आपको ट्राई करना है और जब एग्जाम किट के क्वेश्चन भी हो जाते हैं तो चैप्टर खत्म हो जाता है भाई सो थैंक यू सो मच दैप्टर इज डन बट योर टास्क इज नॉट डन मैंने जो भी कराया उसको आप रिवाइज करेंगे एग्जाम किट के क्वेश्चन करेंगे और कुछ होमवर्क के क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे विथ दैट दिस चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड टिल द टाइम यू स्टडी मोर प्रैक्टिस मोर थैंक यू सो मच एंड टेक केयर